कांग्रेस की जन चेतना रैली पहुंची अजमेर। राफेल घोटाले को लेकर कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है राजस्थान में रैली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी हरी झंडी। राफेल सौदे को कांग्रेस द्वारा एक घोटाला बताया जा रहा है, जिसको लेकर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक जन चेतना रैली को हरी झंडी दी गई थी, जो कि पूरे राजस्थान में घूम रही है। आज वही रैली अजमेर भी पहुंची। रैली की गाड़ी पर एक राफेल का डमी भी लगाया हुआ है। ये रैली आगे अलवर सहित कई जिलों में पहुंचेगी। ये अभाव्यो प्रकोष्ठ की ओर से राफेल घोटाले को लेकर जन चेतना यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत जयपुर से 20 तारीख को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट साहब और हमारे प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी ने झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत करी थी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य जो राहुल गांधी जी के जो सवाल हैं राफेल घोटाले को लेकर, राफेल खरीद को लेकर, जो बार बार श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं और जिनसे बचकर हमारे प्रधानमंत्री बार बार भाग रहे हैं, न संसद में जवाब देते हैं न संसद के बाहर आकर जवाब देते हैं, वही सवाल हम आम जन तक लेके जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है उसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे भारत का, राजस्थान का हर देशवासी, हर नागरिक यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना चाहता है कि ऐसे क्या कारण थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इस राफेल सौदे को अंबानी को बेचा। ये मसला सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नहीं है, ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। ये यात्रा कहाँ का जाएगी? ये यात्रा अभी प्रथम चरण इसका जो है जयपुर से शुरू होकर इसका प्रथम चरण शाहपुरा, विराटनगर, बैराट होते हुए अलवर, अलवर से डीग कुमेर होकर भरतपुर, भरतपुर के बाद करौली में होते हुए दौसा और दौसा से फिर जयपुर पहुंचा। दूसरा चरण इसका शुरू हुआ है। दूसरे चरण में हम भागरोटा चालू होकर भागरोटा, बगरू, दूदू होके अजमेर पहुंचे हैं। इसके बाद हम जोधपुर की तरफ जाएंगे। आपका नाम बताइए? पंकज शर्मा काकू, संयोजक अभाव अभियोग प्रकोष्ठ।